छोटी सी जगह पर पूरा गुजरात आ सकता है? नहीं ना, लेकिन कच्छ के इस जगह पर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, वहाँ पे पूरे गुजरात को समाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और जहाँ कच्छ का ये ट्रेडिशनल पारंपरिक संगीत बज रहा है, तो वही दूसरी ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी कला है, उसको दिखाते हुए, आदिवासी घर किस तरीके की होते हैं उसको दिखाते हुए यहाँ पे ये पूरे घर बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए आदिवासी खाने की, तो वो भी यहाँ पे आदिवासी खाना भी यहाँ पे रहेगा कि आदिवासी संस्कृति इस तरीके की होती है, और वहाँ से जो उनके कलाकार हैं उनको यहाँ पे लाया गया है। साथ ही जो दूसरी जगह है वो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के बाद आप देखेंगे उस साइड, तो वहाँ पे उत्तर गुजरात जो है, जहाँ पे जो उत्तर गुजरात के घर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। उनका खाना पीना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है ताकि लोगों को ये लगे कि वो उस जगह पर उन्हीं गाँव में घूम रहे हैं। तो वही कच्छ की ये संस्कृति, क्योंकि कहा जाता है कच्छ के लिए कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उसी तरीके से यहाँ पे ये पूरा एक कच्छ का गांव, कच्छ के लोग किस तरीके से होते हैं, कच्छ का पहनावा किस तरीके का होता है, और साथ ही कच्छ के जो और ट्रेडिशनल और संगीत बजाने वाले कलाकार हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है। अगर आप खटिया भी देखेंगे तो उनकी जो पारंपरिक खटिया है उसको यहाँ पे रखा गया है, यानी जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो उनको इस पूरी जगह में, एक छोटी सी जगह में पूरे गुजरात की फीलिंग आएगी और पूरा गुजरात यहाँ पे देखने मिलेगा। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी गांवकर, कच्छ।